तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड एंड स्वागत है आपका और एक नए एपिसोड पे। तो अभी फिलहाल मैं हूँ हाथीगांव के रोड पे एंड ये हाथीगांव का एरिया है एंड यहाँ पे मतलब एक मज़ार टाइप का है जो रेप्लिका है ताजमहल का। तो यहाँ पे एंट्री वहाँ पे देख सकते हो। तो ये है एंट्री पॉइंट जो कि मज़ार का है एंड अभी फिलहाल हम लोग जाएंगे मज़ार पे, थोड़ा घूमेंगे एंड दिखाएंगे आपको, एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। थंबनेल एंड टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो अभी फिलहाल चलते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं एंड लोकेशन वगैरह स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कर सकते हो भाई, उसमें लिंक दिया रहेगा ये मैप का। एंड हाँ भाई, ये मतलब एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत मतलब ताजमहल के से मतलब मैच होता है थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर वगैरह, डिज़ाइन वगैरह। तो चलते हैं एक बार एक्सप्लोर करते हैं एंड ये गुवाहाटी सिटी में लोकेटेड है। तो अभी फिलहाल आप लोग अगर गुवाहाटी से देख रहे हो तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो आप लोग विजिट कर सकते हो। आप लोग विजिट करने के लिए ये ब्लॉग देख रहे हो तो भाई आप सही ब्लॉग पे आए हो। इस ब्लॉग को लाइक कर देना एंड चलते हैं एंड एक्सप्लोर करके दिखाते हैं आपको। तो लेट्स गाइस, अभी फिलहाल हम लोग उसी लोकेशन पे है जहाँ पे जो दरगाह है एंड इसको शरीफ दरगाह के नाम से भी जाना जाता है, बट इसका लुक जो है वो ताजमहल की तरह है पूरा। यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड पे नहीं है, जो दरगाह है वो यहाँ पे देख सकते हो एंड इसका फर्स्ट लुक देखो मैं। एंड हाँ भाई, ये कोई आगरा नहीं है या फिर कोई दिल्ली वगैरह का आगरा में मतलब ताजमहल नहीं है, ये हम लोग के गुवाहाटी में मतलब असम गुवाहाटी सिटी में ये लोकेटेड है एंड ये हाथीगांव के एरिया में है। तो आप लोग विजिट कर सकते हो अगर आपको ताजमहल का फीलिंग वगैरह लेना है तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हो, पूरा प्रॉपर मतलब ताजमहल का टाइप का है एंड मिनी ताजमहल इसको बोला जाता है, बहुत लोग इसको मिनी ताजमहल से जाना जाता है एंड गूगल मैप में भी ये मिनी ताजमहल बोल गए हैं। तो आते हैं एंड दिखाते हैं पूरा ऑल ओवर लुक इसका। एंड जो डोर्स वगैरह देख रहे हो चारों साइड आपको सेम ही डोर्स मिलेगा। अभी फिलहाल एंट्री अलाउ नहीं है, मतलब कुछ इशू हुआ है इसीलिए अलाउ नहीं है, बट मतलब अगर अलाउ होता तो हम लोग अंदर जाके दिखाते। जिसका एक और ब्लॉग मैंने बनाया था मिनी ताजमहल का, तो उसका ब्लॉग आप देख सकते हो, उसमें मैंने अंदर भी गया था एंड अंदर उतना कुछ है नहीं बस, लेकिन व्यू जो मिलता है वो तगड़ा है एंड बाहर का स्ट्रक्चर वगैरह कुछ ऐसा ही टाइप का है, सब जगह से देख लो सेम ही दिखेगा आपको। लंबा नहीं होने वाला बिकॉज इस टॉपिक पे मैंने और एक ब्लॉग बनाया था, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये छोटा सा कवर कर लिया जाए। बस हम लोग आए थे एक राइड पे छोटा सा, तो मैं यहाँ पे आया था तो मैंने सोचा कि एक बार और कवर कर लिया जाए एंड बहुत जल्द कुछ नया नया ब्लॉग भी आने वाला है, तो सब अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग को भी देखने में मज़ा आएगा। ये एक छोटा सा मतलब ऐसे ही मैंने जस्ट नॉर्मली एक ब्लॉग बना दिया आया था, तो यहाँ पे व्यू वगैरह भी देख सकते हो। तो यहाँ पे व्यू चेक कर सकते हो, इसका व्यू कुछ ऐसा है एंड वेदर वगैरह देखो, गुवाहाटी में अभी फ़िलहाल रेनी होके रखा हुआ है सारा वेदर एंड क्लाउड्स देखो मैन एंड इसका लुक्स देखो एक बार एंड यहाँ पे विजिटर्स वगैरह भी रोज़ आते हैं मैन, देख सकते हो इतना सारा विजिटर्स है एंड इसका लुक देखो। एंड वहाँ पे बच्चे लोग भी नहा रहे हैं, ये देखो ये देखो। तो अभी थोड़ा फोटो वोटो क्लिक करते हैं, थंबनेल वगैरह क्लिक करते हैं, देन उसके बाद व्लॉग को भी एंड करेंगे। ये व्लॉग बहुत ही छोटा होगा मैन, मतलब 5 या 6 मिनट का होगा, ज़्यादा लंबा होगा नहीं, बट मैं मतलब रेगुलर नहीं हो पाता हूँ, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई
कुछ ना कुछ व्लॉग बना के डाला जाए, बिकॉज जो हैबिट है वो फिर से आ जाए व्लॉगिंग का। बहुत दिनों से व्लॉगिंग किया नहीं हूँ, तो भाई मतलब बोलने में थोड़ा वो हो रहा है, प्रॉब्लम है एंड मिस्टेक्स वगैरह हो रहा है। A few moments later. खुल चुका है गेट एंड अंदर जाके दिखाते हैं कि अंदर का व्यू कैसा है, तो एक बार चलते हैं। एंड अंदर का व्यू कुछ देख सकते हो यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक कुछ ज़्यादा होगा बिकॉज बहुत खाली प्लेस है यहाँ पे, व्यू वगैरह देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे चिड़िया वगैरह भी। ना पाए चैना सुन लेना, तुम्हें चाकर भी ना चाहे, करे जो मन मानिए मन ना माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। गाइस यहाँ का व्यू देख सकते हो एक बार, एंड वो रहा, एंड यहाँ पे सीटिंग के लिए दिया हुआ है स्टेयर्स वगैरह, यहाँ पे आप बैठ सकते हो आराम से, चिल वगैरह कर सकते हो एंड फोटो शूट भी कर सकते हो यहाँ पे बैठ के, तो बहुत ही तगड़ा फोटो आता है। आपको अगर यहाँ का फ़ोटो देखना है मतलब इंस्टाग्राम पे मेरे देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, या फिर इंस्टा पे सर्च करना आशु व्लॉग्स तो आपको देखने मिल जाएगा मेरा जितना भी फ़ोटोज़ है यहाँ पे जो मैंने क्लिक किया था, एंड मैं सारा अपडेट्स वहाँ पे देता रहता हूँ, तो फॉलो कर लेना भाई अभी तक फॉलो नहीं किया। तो ब्लॉग पे तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ बट पहले का तरह नहीं हो रहा है ब्लॉग, बिकॉज बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, ऑलमोस्ट 10 दिन 11 दिन का गैप हो चुका है, तो उसके कारण भाई जो आदत है ब्लॉगिंग का वो छूट चुका है, तो इसीलिए भाई मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा ही सही बट ब्लॉग डाला जाए, बिकॉज जो हैबिट है वो फिर से आ जाता है, एंड कंटेंट वगैरह भी मेरे को बहुत सोचना पड़ रहा है, बिकॉज पहले ऐसा होता था कि कुछ भी मैं ब्लॉग डाल देता था। हाल में मेरा ओनली 3K सब्सक्राइबर हुआ है, वैसे ज़्यादा ही है, मतलब मेरे पास तो उतना इक्विपमेंट्स नहीं है GoPro, तो वैसे उसी के कारण मैंने मोटो ब्लॉगिंग भी छोड़ा, बिकॉज SJKM जो है 4000, तो उसके कारण भाई उतना अच्छा क्वालिटी आता नहीं है SJKM से, तो उसके कारण मैंने मोटो ब्लॉग भी छोड़ा। बिकॉज आप लोग भी बहुत बोलते हैं कि मोटो ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते, मोटो ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते, मतलब मैं अचानक से मोटो ब्लॉगिंग से होके डायरेक्ट नॉर्मल ब्लॉगिंग पे आ गया था, तो आप लोग सोच रहे थे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, तो इसका रीज़न यही था भाई मेरे को क्वालिटी अच्छा नहीं लगता था, तो जब मेरे को खुद को क्वालिटी अच्छा नहीं लगता था तो आप लोगों को कैसा लगेगा, तो इसी कारण मैंने मोटो ब्लॉग छोड़ दिया था। एंड अभी फ़िलहाल अगर GoPro आता है इन फ्यूचर तो हम लोग मोटो ब्लॉग भी करेंगे, बट SJKM से मेरे को उतना प्रॉपर लगता नहीं है एंड क्वालिटी वगैरह उतना अच्छा लगता नहीं है, इसलिए भाई मैं मोटो ब्लॉगिंग कम करता हूँ। फिलहाल इतना ही बोलना था, ये एक नॉर्मल एक्सप्लोरिंग ब्लॉग था जो कि हाथीगांव में लोकेटेड है, एक शरीफ दरगाह एंड मिनी ताजमहल के नाम से भी जाने जाते हैं, तो बहुत लोग भाई विजिट करना चाहते हैं एंड वो लोग देखना चाहते हैं ये मिनी ताजमहल, तो मैंने दिखाई दिया ऑल ओवर लुक्स वगैरह, एंड यहाँ पे तो चेकआउट कर सकते हो इसका लुक्स वगैरह कैसा है, तो भाई आप आराम से आ सकते हो। तो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, ब्लॉग को इतना रखते हैं, एंड आगे भी बहुत ज़्यादा भाई अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे एंड ऑलवेज डीमा एंड फ्लाई हाई, बाय बाय।